आपने देखा है, वैसे हमने पिछले अंक में भी आपको एक प्रगतिशील किसान कुटौत पंचायत के में दिखाया था, अनीस, जो कि रजनीगंधा फूल की खेती कर रहे थे, फूल और कई तरह के फूलों की खेती। तो उसी कड़ी में आज फिर एक नई जानकारी। हमारा उद्देश्य ये होता है कि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो नई नई चीजों को समझें, नई नई चीजों को जानें, और उसकी तरफ जहां उनकी रुचि रहे उसकी तरफ आप अपने, अगर आप बेरोजगार हैं, कोई रोजगार चाहते हैं तो आप अपना रुख उधर मोड़ सकते हैं। चूंकि आज के दौर में आपने कई कहानियां ऐसी सुनी होगी कि लोग MBA, BBA, IITian कई लोग हैं जो गौ पालन कर रहे हैं, MBA करके आए, मछली पालन कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। तो हमारे युवाओं के लिए एक संदेश के रूप में हम देते हैं कि आप भी अगर इस तरह के कुछ आयाम से, नए आयाम से अगर जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए बेहतर होगा। और आज हम फिर एक नई कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है बरबीघा प्रखंड के, शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड के क्योंटी पंचायत के अंतर्गत डीह गांव का, जहां एक किसान है जो नारंगी की खेती कर रहे हैं। खास करके अभी जो छठ का महीना है तो नारंगी जो होता है वो अनमोल होता है। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि थोड़ा सा हम नारंगी की पहले दिखाएं आपको, कि ये देखिए ये नारंगी की जो साइज है ये लगभग संतरा की तरह लेकिन छोटा होता है। तो नारंगी आप देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि नारंगी की खेती, खास करके इसकी महत्व, इसका जो महत्व है वो छठ पर्व में बढ़ जाता है। और जब छठ पर्व में बढ़ जाता है ये, तो इसकी कीमत भी अच्छी होती है, कीमत बढ़िया मिलती है किसान को। तो आइए हम मिलवाते हैं आपको कैसे ही किसान जो डी के हैं, मुन्ना महतो जी। जी मुन्ना जी। जी सर। नमस्कार जी। ये नारंगी की खेती की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? काफी लदे हुए नारंगी है आपके पौधे में। हमको महिला चाहते है सदैव महतो, वही लगा के गए हैं सर। उनके बाद हम लोग को ये हक में आया तो हम लोग मैंने उससे अच्छी मेहनत कर अच्छी कमाई कर रहे हैं। संतरा नारंगी की खेती एक बहुत अच्छी खेती है, जिसे हम लोग को अच्छी आर्थिक मदद मिलती है, जिसे हम लोग बाल बच्चा को भी पढ़ाने में अक्सर मदद मिल जाती है। बड़ी बड़ी अच्छी बात कही आपने, लेकिन एक और चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बहुत कम पौधे हैं, मतलब अगर आपके पास, हम आपके पास देख रहे हैं कि 5-6 पौधे हैं जी, तो आमदनी लगभग साल में कितना हो जाता है आपको 5-6 पौधे से? साल में मान के चलिए सर कि ये 25 से 50 हजार के लगभग। 50 हजार तक कमा लेते हैं इससे? और जगह भी ज्यादा नहीं लेता है? ये 1.5 कट्ठा जमीन है। अच्छा, करना क्या क्या पड़ता है जरा आप उसको समझाइए कि क्या क्या इसमें करना है। इसमें यही पड़ता है कि मैंने समय समय पर इसका मैंने टहनी का कटिंग कर देना है, अगर फूल आया तो उसमें दवाई का छिड़काव कुछ कर देना है कीटनाशक, फिर फल आया तो उसमें भी आप चाहिएगा तो साइज बढ़ाने के लिए भी दवाई आता है, वो भी दिया जाता है हल्की मात्रा में, यानी कि ज्यादा दीजिएगा तो गिर जाएगा, फल फट जाएगा, ये भी देखा जाता है। अच्छा अच्छा। और है कि इसको समय पर जब इसका सीजन आ जाता है तो इसको ढंग से कटिंग करके आपको करंट में सरिया, अभी अभी जाड़ा कर, जी जी, छठ के समय में, छठ के 2 दिन पहले भी पौधा फसल काटने के बाद आप इसका जी कटिंग कटिंग में लग जाता है, कटिंग में लगना है। उसके बाद जड़ में भी कुछ देर, जड़ में पोषक तत्व दिया जाता है, जैसे हो गया आपको DAP, जैविक खाद हो गया, गोबर खाद हो गया, जो भी कहिए, या आप लाही ताही को सड़ा के भी दे सकते हैं, नीम का खल्ली भी दे सकते हैं, बहुत तरह के है। इसको चारों तरफ मैंने जड़ के चारों तरफ मैंने खुदाई करके हल्का हल्का उसको खाद मिला के मैंने वही जो नारंगी के पेड़ के जड़ के चारों तरफ खुदाई करके मैंने पोषक तत्व दे दिया जाता है, क्योंकि उसका मैंने एनर्जी बरकरार रहे, पौधा विकसित ज्यादा करे। अच्छा, इसका आप इसको बिक्री कहाँ करते हैं? चूंकि समस्या एक ये भी है मार्केट की, तो बाजार कहाँ मिलता है, कहाँ बेचते हैं आप इसको? जैसे बाजार मंडी में बहुत फल के व्यापारी हैं, उनको भी कांटेक्ट रखते हैं, वो भी कुछ लेते हैं, माने लोकल बाजार बरबीघा। जी सर, जैसे लोकल बाजार हो गया आपका बरबीघा, हमारे छोटे मार्केट में आ गए जैसे सरमेरा, और है छोटा मोटा गोपाल बाद गनमा, और जो छोटा बाजार है वहाँ जी वहाँ भेजते हैं। क्या रेट मिल जाता है इसका? रेट तो अभी इसका 30 रुपया होलसेलर चल रहा होलसेल जी, 30 रुपया जोड़ा का, मैंने 15 रुपये पीस का,
अच्छा इसमें एक चीज और बताइए कि आप भी अपने आपके यहाँ जैसे आपके चाचा लगाए तो ये जानते हैं कि वो पहला आदमी होंगे यहाँ लगाने वाले, तो वो किसको देख के क्षेत्र में और कहीं होता है जहाँ की देख के या प्रेरणा लेके यहाँ लगाए, कहाँ कहाँ और आपके यहाँ होता है? ये हमारे जो मंजला चाचा हुए वो सिर पर से भी कुछ मैंने तकनीक सीखी अपना खेती बढ़ाए सिर पर जी, अर्जुन सिंह नाम है उनका, हमारे चाचा जी मिले थे उन्हीं से संपर्क होके मैंने ये यहाँ तक बढ़ी है। यहाँ से फिर हमारे और किसान भी आगे बढ़े हैं, हम लोग भी और छोटे छोटे पेड़ लगाए हैं। आपके गांव में भी और कुछ लोग लगाते हैं? लगे हुए कौन कौन है जो लगाने वाले हैं? जो वो विनोद प्रसाद है, वो चंद्रमोली महतो हुए, उनका इतने पास पड़ोस में है, उनका तो 100 पेड़ है। 100 पेड़ है उनके पास? जी। अच्छा अच्छा। हम लोग का छोटा छोटा भी है, छोटा छोटा 22 पेड़ मेरा भी यहाँ पर है बगल में। तो सब लोग यही बरबीघा बेचते हैं या बाहर जाते हैं? नहीं नहीं, अभी तो बरबी हम बेचते हैं, माल ज्यादा रहेगा था ना सर पटना हम लोग। अगर उनके पास 100 पेड़ है तो वो उनका अभी उतना फरता नहीं, अभी छोटा पेड़ लगाए हैं जी। अच्छा दूसरी चीज, अगर दूसरे कोई किसान इससे जुड़ना चाहे तो एक सीधी सी बात मतलब कि आप उनको क्या करना होगा, किस तरह से वो इस आयाम से इस नए प्रयोग से जुड़ सकते हैं? जुड़ सकते हैं, हम लोग तो बढ़ावा देते हैं। जैसे हम लोग के पास आए एक बुढ़ापे मने बुढ़ा किसान भी थे 70 साल के, देवले के किसान आए, वो भी हम लोग से मिले, हम लोग को मुलाकात हुई थी वहाँ किशनगंज विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय में, वहाँ से कॉन्टेक्ट बढ़ा, हम लोग को ढेर किसान से कॉन्टेक्ट हुआ। हम लोग गए थे मक्का खेती के लिए, था वहाँ ड्रैगन फ्रूट का भी खेती सीखे, सब चीज सीखे, बहुत तरह का अनुभव मिला, किसान से किसान को प्रेम मिला, बहुत तरह के बात हुआ। मतलब आप भी बहुत जागरूक है इसमें ना? आप लोग आज जाना चाह रहे हैं मदरसा वाला, लगता है कि कुछ नया और भी करना चाहिए, आगे होगा सर। हम लोग तो किसान से एलर्जी नहीं रखते, हम लोग तो लगता है कि बढ़ावा देते हैं, सब एकजुट रहे हैं, यहाँ से माल बाहर भेजे, ये जरूरी है कि हमारा पटने में जाएगा खाली माल, विदेश भी जा सकता है अगर सब एकजुट रहेंगे तो। जी जी बहुत अच्छा। मतलब अब आप देखिए मित्रों की एक छोटे से कस्बे का एक किसान मुन्ना पूरे दुनिया में भेजने के लिए आतुर है कि हमारा अगर माल हम बरबीघा क्यों हम विदेश भेज सकते हैं। मतलब जज्बा है काम करने का, अगर आप लगन होनी चाहिए, कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं उस काम में अगर लगन है तो आप, कई ऐसी कहानियां हैं जो उस छोटे से काम से बड़ा मुकाम हासिल हो सकता है। मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि आप अगर दृढ़ निश्चय है तो कोई भी काम आप, सीधी सी बात मैं आपको बताता हूं कि आप ये देखिए कि कितना छोटा पेड़ है, मुश्किल से 50 से 60 स्क्वायर फीट जमीन ये लेता है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 100 स्क्वायर फीट भी अगर देते हैं तो एक कट्ठे में हमारे यहाँ लगभग 1250-1300 स्क्वायर फीट होता है, तो एक कट्ठा में 12-13 पौधा तो हम जरूर लगा सकते हैं एक कट्ठा में। इसका जो रेडियस है देख रहे हैं, तो ये आप समझिए कि 12-13 कट्ठा 6 पेड़ अगर है, 5 पेड़ इनके पास 6 पेड़, तो ये 50,000 रुपये 40-50,000 रुपये की आमदनी, और साल में करना कुछ नहीं है, मतलब 2-4 दिन अगर मेहनत आप कर देते हैं जैसा कि इन्होंने बताया, और आप देख रहे हैं कि 2 कैरेट जो हमारे पास है खास करके अभी तोड़ रहे हैं भर रहा है, तो ये समझिए कि छोटी सी चीज है लेकिन बड़ा व्यवसाय का रूप अब लेता जा रहा है, खास करके किसान इसमें जागरूक हैं। तो किसान जो है, अगर आप जागरूक हैं, नए आयाम इस तरह के अगर करना चाहते हैं, क्योंकि एक मिथ्या थी हमारे यहाँ संतरा और नारंगी में कि नागपुर में इसकी खेती होती है, नागपुर इसके लिए प्रसिद्ध था संतरा और नारंगी के लिए, लेकिन उस मिथ्या को हमारे किसानों ने, हमारे मेहनती किसानों ने, हमारे युवाओं ने, मुन्ना ऐसे युवाओं ने तोड़ा है इस मिथ्या को कि नई खेती हम यहाँ भी कर सकते हैं, और उसकी वानगी हमारे खेतों में, मुन्ना महतो के खेत में दिख रही है।